इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे अपना वीडियो फाइल साइज रिड्यूस कर सकते हो VLC मीडिया प्लेयर यूज करके। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक वीडियो है एंड इसका साइज है 87 MB, तो इसका हम रिड्यूस करके देखते हैं कि कितना रिड्यूस हो सकता है। तो आपको सबसे पहले VLC मीडिया प्लेयर ओपन कर लेना है, देन यहाँ पे मीडिया में क्लिक करना है, देन कन्वर्ट एंड सेव। अभी यहाँ पे आपको वो फाइल ऐड कर लेना है जिसका साइज आप रिड्यूस करना चाहते हो, एंड देन आपको यहाँ पे कन्वर्ट एंड सेव में क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आपको ये जो ड्रॉप डाउन एरो है इसमें क्लिक करना है, एंड नीचे आके वीडियो फॉर यूट्यूब HD यहाँ पे आके क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद हमें डेस्टिनेशन फाइल क्रिएट करना है, यहाँ पे आके बस इसको एक नया नाम दे देना है एंड सेव कर देते हैं, एंड कर देते हैं स्टार्ट। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। प्रोसेस जो टाइम कंज्यूम करता है ये आपका वीडियो फाइल साइज ड्यूरेशन एंड रेजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है एंड ये हमारा एक्सपोर्टेड फाइल है। तो इसका साइज़ हमारा था 87 MB एंड अभी फाइल 17.7 MB होके आ गया, मतलब मोर देन फोर टाइम्स कम हो गया ये। तो इसको प्ले करके मैं एक बार क्वालिटी चेक करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि क्वालिटी, आप एक बार क्वालिटी देखो कि क्वालिटी थोड़ा सा भी डिक्रीज़ नहीं हुआ है। बहुत टाइम ऐसे होता है कि वीडियो कंप्रेस होने के बाद क्वालिटी बहुत लो हो जाता है, लेकिन ये 4 times वीडियो का साइज रिड्यूस हुआ है लेकिन क्वालिटी थोड़ा सा भी ड्रॉप नहीं हुआ है, एकदम ठीक ठाक क्वालिटी में आप देख सकते हो, हर एक वर्ड आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो अगर आपको ये प्रोसेस हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब ऐसी यूजफुल वीडियो अपलोड करूँ मेरे चैनल पर आपको एक नोटिफिकेशन मिले।